इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होती जा रही। पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक सुर में साजिश का आरोप लगाया, तो पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि हार की हताशा के लिए बहाना ढूंढा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। मुकाबला एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच है। प्रचार के लिए जरूरत है पैसे की, लेकिन कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज है। रुपए ना निकाले जा सकते हैं और ना जमा किए जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इस पर हो रही सियासत के बीच कांग्रेस खुद को बेबस बता रही है। पार्टी के बड़े नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि देश के संसाधनों, मीडिया और संस्थानों पर कंट्रोल कर लिया गया है। संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। पहले जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आरोप लगाया वो है क्या। इस साल फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 105 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के लिए कांग्रेस को नोटिस भेजा। कांग्रेस ने आईटी पर पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आरोप लगाए। 21 फरवरी को कांग्रेस ने आईटी पर पार्टी के बैंक अकाउंट से 65 करोड़ निकालने का आरोप लगाया। दिस इज अ क्रिमिनल एक्शन ऑन द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स अ क्रिमिनल एक्शन डन बाय द प्राइम मिनिस्टर and the home minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right, and it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. 8 मार्च को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बकाया टैक्स को लेकर आईटी की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। टैक्स पेनल्टी मामले में 11 मार्च को कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 13 मार्च को कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। 19 मार्च को कांग्रेस आईटी के 3 साल के टैक्स रीअसेसमेंट शुरू करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची, जिस पर फैसला सुरक्षित है। इसे लेकर राहुल गांधी ने सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस ने पार्टी को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने कहा, चुनाव की घोषणा हो चुकी है लेकिन पार्टी अपने बैंक खाते से रुपया नहीं निकाल पा रही, जिसका असर चुनाव तैयारियों पर पड़ रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है। दूसरा, इसकी टाइमिंग देखिए, 2017-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल एक महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है, ये क्वांटम। हम लोगों ने मात्र 30 दिन
लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। माकन ने कहा 2017-2018 के मामले को बेस बनाकर खाते फ्रीज कर दिए। साथ ही सवाल उठाया कि 7 साल पुराने केस में अब बैंक खाते कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं। 30 साल पुराना हिसाब निकालकर खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। जब हर पार्टी माफी के दायरे में आती है तो सिर्फ कांग्रेस को क्यों चुना जा रहा है। 14,40,000 की अनियमितता की वजह से 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई है, जबकि कानूनन 10,000 रुपए की पेनल्टी ली जा सकती है। साथ ही पार्टी के खातों से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राजनीतिक दल को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी टैक्स छूट मिल सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, साथ ही हार की हताशा करार दिया। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन अटर डेस्परेशन ऑफ इमिनेंट डिफीट द कांग्रेस पार्टी एट द हाईएस्ट लेवल सॉट टू क्रिएट एन एलिबाई टुडे। कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये तो कमाल है भाई। चुनावी बिगुल बच चुका है और उम्मीदवार अब जनता के बीच है। ऐसे में जब पैसा ही नहीं होगा तो चुनाव प्रचार होगा कैसे। कांग्रेस की बेचैनी इसलिए है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता सामने आए और केंद्र पर आरोप लगाया, उससे साफ है कि इसे भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।